हाँ जी, नमस्कार बच्चों, आप सभी को हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत, अभिनंदन एवं आभार। आप देख पा रहे हैं, आप सियाराम शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई कविता एक फूल की चाह का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कल तक की क्लास में हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो सुखिया है वो महामारी का शिकार हो जाती है और उसी महामारी के द्वारा संक्रमण इतना ज्यादा फैल जाता है जिसकी वजह से उसका सारा शरीर के सारे अंग प्रत्यंग शिथिल पड़ जाते हैं और वह उठने की स्थिति में और बोलने की स्थिति में भी नहीं रह पाती, यानी उसकी आवाज भी थोड़ी दब जाती है, दबी दबी आवाज में। वो जब अपने पिता से फूल की चाह करती है तो पिता जो है अपनी बेटी की इस स्थिति को देखकर बड़ी ही चिंताजनक स्थिति में आ जाता है, और उसी चिंताग्रस्त स्थिति में जब वो आकाश की ओर सोच देखते हुए सोच रहा होता है, शोक चिंता में मग्न होता है, तो उस समय आकाश में जो जगमगाते हुए तारे हैं वो भी उसे अंगारों के सदृश प्रतीत होने लगते हैं। वही बात है बेटा, जब आप सुखी अवस्था में होगे, प्रसन्नता स्थिति में होगे, तो प्रकृति के तत्व भी आपकी प्रसन्नता को दुगना कर देंगे, और जब आप दुखी होगे तो प्रकृति के तत्व भी जो है हमारे दुख को और ज्यादा बढ़ाने वाले सिद्ध होंगे। तो ये तारे भी जो है उसे जगमगाते तारे जो है अंगारों के समान प्रतीत होने लगे, और वो उस समय उन अंगारों को देखते देखते एकटक निहारते निहारते सोच में मग्न था, और उस समय वो जो है लगातार देखने की वजह से उसकी आंखें जलने लगी। अब वो सोच रहा है कि भाई मंदिर की ओर मुझे जाना है, और सुखिया जो है बड़ी ही गंभीर अवस्था में आ चुकी है, तो अब जो है मंदिर कैसा है, मंदिर की क्या स्थिति है, भौगोलिक स्थिति भी बताई है कि किस तरह से कहाँ स्थित है, और साथ साथ में उस मंदिर के वातावरण की स्थिति भी बताई है कि किस तरह से वहां पर भक्त मंडलियां भजन कर रही हैं, और भजन गाते हुए भक्त मंडली के साथ साथ वो जो पिता है उसके प्रवेश द्वार से सीधा वहां देवी के द्वार तक पहुंच जाता है। देखिए आगे पढ़ते हैं हम, दिया गया है इसमें, पिता कहते हैं, कवि की भाषा है और जो है शुद्ध खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है, और बता रहे हैं एक जो पिता है उसके उद्गार। देखिए क्या बताते हैं, देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर, सुनना वही चाहता था मैं उसे स्वयं ही उकसा कर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। पिता सोच रहे हैं, देखो कथा के रूप में कहानी के तौर पे अपने आप इसके अर्थ हमें स्पष्ट हो रहे हैं। क्या कह रहे हैं, देख रहा था यानी पिता अपनी पुत्री को देख रहे थे जो सुस्थिर होकर, जो यानी सुखिया सुस्थिर एक जगह पर ठहर कर नहीं बैठती थी क्षण भर कुछ देर के लिए, कुछ पल के लिए नहीं बैठती थी यानी बैठ ही नहीं सकती थी। पिता देख रहे थे कि सुखिया जो एक क्षण भर के लिए किसी एक स्थान पर टिक कर नहीं बैठती थी, क्या हो गया अब उसको, हाय वही चुपचाप पड़ी थी, हाय यानी दुर्भाग्यवश, वही यानी सुखिया चुपचाप यानी शांति धारण करके पड़ी थी यानी लेटी हुई थी, अटल शांति सी धारण कर, अटल यानी कभी न टूटने वाली, कभी न टलने वाली, कभी न टूटने वाली शांति सी, बिल्कुल शांति या चुप्पी धारण कर ग्रहण करके, जो सुखिया एक क्षण के लिए भी घर में टिक कर नहीं बैठती थी दुर्भाग्य के कारण, वो बिल्कुल शांत होकर के वहीं शैया पर या बिस्तर पर लेटी हुई थी, कारण क्योंकि वह महामारी से ग्रसित थी। सुनना वही चाहता था मैं उसे स्वयं ही उकसा कर, पिता सोचते हैं कि मैं यानी पिता कहते हैं सुनना चाहता था यानी सुनने की चाह रखता था, वही यानी वही बात किसके मुख से, उसे यानी सुखिया को स्वयं ही यानी खुद ही उकसा कर यानी उत्साहित करके, उकसाकर यानी जानबूझकर, ठीक है। तो पिता कहते हैं मैं सुखिया से खुद जानबूझकर यही बात वापस सुनना चाहता था, क्या बात, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर, क्या बात कि मुझको यानी सुखिया कहेगी कि पिताजी मुझे देवी के चरणों में चढ़ा हुआ वह प्रसाद स्वरूप फूल मुझे ला करके दे दीजिए,
इस बात को पिता जो है पुनः अपनी पुत्री के मुख से सुनना चाहता था, लेकिन पुत्री जो एक क्षण के लिए भी घर में टिक कर नहीं बैठती थी, वो आज बिल्कुल शांति, कभी भी न टूटने वाली शांति धारण करके शैया पर यानी बिस्तर पर लेटी हुई है, क्योंकि वो बीमारी से ग्रसित है। और पिता सोचते हैं कि मैं खुद उसे बार बार उकसा कर जानबूझकर उससे यही बुलवाना चाहता था और सुनना चाहता था कि वह बोले कि पिताजी, देवी के चरणों में चढ़ा हुआ प्रसाद स्वरूप एक फूल मुझे लाकर दे दीजिए। ठीक है, अब पिताजी की ये इच्छा थी और बेटी की जो चाह थी उसको पिता कैसे पूर्ण करते हैं, देखो मंदिर कहाँ था, भौगोलिक स्थिति बताइए, थोड़ा सा समझना बेटा, क्योंकि यहाँ पर संस्कृत के बहुत गजब के शब्द काम में लिए गए हैं जिनका अर्थ हमें जानना आवश्यक है। ऊंचे यानी ऊंचाई पर, शैल यानी पर्वत के, शिखर यानी चोटी पर, पर्वत की चोटी पर ऊंचाई की ओर, के ऊपर उससे भी ऊपर की तरफ, ठीक है, मंदिर था, मंदिर स्थित था, विस्तीर्ण फैला हुआ, विशाल बहुत मजबूत। दोबारा से देखो, ऊंचे यानी ऊंचाई पर, शैल शिखर पर्वत की चोटी, के ऊपर यानी के भी आगे की ओर एक मंदिर स्थित था, वो बहुत विस्तृत स्थान पर और बहुत मजबूती से खड़ा था। ठीक है ना, पर्वत के ऊंचाई के शिखर पर एक मंदिर स्थित था और वो बहुत लंबे या बहुत बड़े भूभाग पर फैला हुआ और मजबूती से खड़ा था। ठीक है, अब उस मंदिर की जो सुंदरता है वो क्या थी, देखिए, स्वर्ण कलश, सोने से निर्मित कलश, सरसिज भी हसित थे, उस कलश के अंदर सरसिज यानी कमल, कमल के जो फूल है वे हसित यानी प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। आप देखते हो कि मंदिर होता है, मंदिर में सबसे ऊंचा जो शिखर होता है यानी जो मंदिर का सबसे ऊंचा हिस्सा होता है उस पर एक गुंबद सा बना हुआ था, गोलाकार आकृति होती है, यहाँ पर क्या है, गुंबद की जगह सोने के कलश की आकृति है और उसमें क्या बने हुए हैं, बीच में उसमें कमल बने हुए हैं, बीच में वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, वे हसित यानी प्रसन्न चित, प्रसन्न मुद्रा में वो कमल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, पाकर सुमोदित, सुमोदित यानी खुश करने वाली, प्रसन्नता देने वाली। अब सबसे ऊंचाई पर है वो गुंबद या वो जो स्वर्ण कलश है, सबसे ऊंचाई पर है तो सूर्य की किरणों का स्पर्श भी उस पर ही सबसे पहले होता है। तो क्या कहते हैं, देखो, पाकर यानी प्राप्त करके, सुमोदित, समुदित यानी खुशी के साथ, रवि सूर्य की, कर यानी किरणें का जाल यानी समूह, कि प्रातः काल सूर्य की किरणों के जाल के स्पर्श को पाकर वो जो स्वर्ण कलश में, स्वर्ण सोने रूपी कलश में जो कमल के फूल थे वो और ज्यादा प्रसन्न चित दिखाई दे रहे थे, और ज्यादा प्रसन्नतादायक स्थिति में दिख रहे थे। दोबारा से देखो, वो जो मंदिर था वो कहाँ था, कि ऊंचाई ऊंचाई की ओर पर्वत की चोटी के भी ऊपर एक मंदिर स्थित था, वो बहुत लंबे भूभाग पर फैला हुआ था और बहुत मजबूती से खड़ा था। ठीक है, और उसी मंदिर में सबसे ऊपर के हिस्से में स्वर्ण रूपी एक कलश बना था जिसके अंदर कमल के पुष्प थे और प्रातः काल सूर्य की किरणों के जाल के स्पर्श को पाकर वो कमल जो है प्रसन्न चित स्थिति में दिखाई दे रहे थे। ठीक है, माहौल कैसा था आसपास का, दीप धूप, दीपक और धूप की खुशबू से आमोदित था, आमोदित यानी हर्षित करने वाला, खुश करने वाला। मंदिर का आंगन सारा, मंदिर के चारों ओर का जो आंगन था वो दीपक और धूप की मिली जुली खुशबू से बहुत ज्यादा सुख देने वाला, बहुत ज्यादा प्रसन्न करने वाला था। और मंदिर में क्या था, गूंज रही थी भीतर बाहर, मंदिर के भीतर यानी अंदर की तरफ और बाहर यानी बाहर की तरफ, मंदिर के अंदर और बाहर गूंज रही थी यानी सुनाई दे रही थी, तेज तेज आवाज गुंजायमान हो रही थी, किस चीज की, मुखरित उत्सव की धारा, मुखरित यानी प्रत्यक्ष, सामने जो दिखाई दे रहा है, उत्सव यानी एक पर्व की धारा यानी कि
एक लय दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो मंदिर के बाहर और मंदिर के भीतर किसी महान उत्सव को मनाए जाने की एक आवाज जो है वो गुंजायमान हो रही थी, अर्थात जो गीतों के स्वर है वो सुनाई दे रहे थे। मंदिर में भजन गाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं, उन गीतों की आवाज सुनाई दे रही थी। दोबारा से देखो, प्रथम दो पंक्तियां हैं, उन दो पंक्तियों में तो मंदिर की भौगोलिक स्थिति कि पर्वत की चोटी के ऊपर भाग में एक मंदिर स्थित था, वो लंबे भूभाग पर फैला था और बहुत मजबूती से खड़ा था। और मंदिर के ऊपरी हिस्से में क्या था? मंदिर के ऊपरी हिस्से में स्वर्ण से निर्मित एक कलश था। उस कलश में स्वर्ण निर्मित जो कमल थे, वो कमल ऊंचाई पर होने के कारण सबसे पहले सूर्य की किरणों के समूह के स्पर्श को पाकर और ज्यादा प्रसन्नचित्त दिखाई दे रहे थे। अब मंदिर का आंगन कैसा था कि दीपक और धूप की मिलीजुली खुशबू से मंदिर का जो सारा आंगन था वो हर्षित दिखाई दे रहा था, प्रसन्न स्थिति में दिखाई दे रहा था, प्रसन्न करने वाला था। मंदिर के बाहर की तरफ और मंदिर के भीतर की तरफ एक बहुत बड़े उत्सव यानी पर्व की जो आवाज है वो चारों तरफ गूंज रही थी, अर्थात सुनाई दे रही थी। ये सारे मंदिर की स्थिति हो गई। अब मंदिर के अंदर कौन होंगे? भक्त होगी। और वो भक्त मंडली क्या कर रही है? देखो आगे के बारे में उसने, कवि ने बताया है, पिता ने जब मंदिर में प्रवेश किया तो वो क्या देखते हैं? भक्त वृंद यानी भक्तों का समूह, वृंद यानी समूह, भक्त वृंद भक्तों का समूह, मृदु यानी मधुर, मृदु यानी कोमल और मधुर यानी मीठे, कोमल और मीठे कंठ से यानी गले से गीत गा रहे थे। सभक्ति भक्ति के साथ, मुदमय मुदमय यानी हर्ष हर्षित होकर खुश होकर, ठीक है, क्या गीत गा रहे थे? गीत के क्या बोल थे, भजन के क्या बोल थे? पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। भजन के क्या बोल थे? पतित यानी पापियों का, तारण यानी उद्धार करने वाली, पाप यानी जो पाप कर्म है, हारणी यानी उनको दूर करने वाली, पापों को दूर करने वाली, और पतितों यानी पापियों का उद्धार करने वाली, हे माँ आपकी जय जयकार करते हैं। ये गीत गा रहे थे कौन? भक्त वृंद भक्तों के समूह, मृदु यानी कोमल, मधुर यानी मीठे, कंठ यानी गले से, सभक्ति यानी भक्ति के साथ, मुदमय यानी खुश होकर कुछ गीत गा रहे थे। क्या गीत थे? कि हे माँ आप पापियों का उद्धार करने वाली हो, पतित तारिणी पापियों का उद्धार करने वाली, तारण करने वाली, पाप हारिणी और पापों को नष्ट करने वाली हो, आपकी हम जय जयकार करते हैं। दोबारा से यही पंक्ति है, पतित तारिणी तेरी जय जय, हे पापियों का उद्धार करने वाली माँ आपकी जय जयकार, ठीक है। अब ये भक्तों के समूह जो है गीत गा रहे थे, उसी समय पिता कहते हैं, मेरे मुख से भी निकला यही स्वर यानी यही गीतों की जो स्वर थे, यही बोल थे, मेरे यानी सुखिया के पिता के मुख से यानी मुंह से निकलने लगे, अर्थात उनके मुख से भी यही भजन के जो स्वर हैं, भजन के जो ये बोल हैं, वो उनके मुख से भी निकलने लगे यानी वो भी भजन गाने लगी। बिना भड़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। आपको पता है जब मंदिर में खूब भीड़ होती है, अपन एक लाइन में खड़े होते हैं, कहते हैं ना भाई प्रसाद भी चढ़ानी है और दर्शन भी करने हैं, तो लाइन में पीछे अगर खूब बड़ी लाइन लगी हुई हो तो धक्के से अपन आगे अपने आप ही चलते चले जाते हैं। बिल्कुल वही सुखिया के पिता के साथ हो रहा था। पिता क्या कहते हैं सुखिया के? बिना बड़े ही कि मैं आगे को, यानी सुखिया के पिता पिता कहते हैं कि मैं आगे की ओर बढ़ नहीं रहा था, बल्कि जाने किस बल से डिकला, या बल्कि पीछे आने वाले भक्तों की पंक्ति की ताकत से, यानी पीछे जो भक्तों की लाइन लगी थी उसकी ताकत से मैं आगे ढकेलता जा रहा था, यानी आगे खिसकता जा रहा था। मैं खुद जो है चलकर आगे नहीं जा रहा था, बल्कि भीड़ के कारण, धक्के के कारण मैं आगे की ओर अपने आप ही ढकेलता चला गया। दोबारा से देखिए बेटा, भक्त वृंद भक्तों के समूह, कोमल और मीठे गले से जो भक्ति के साथ खुशी देने वाले कुछ भजन या गीत गा रहे थे, जिसके बोल थे, क्या बोल थे? कि पतित तारिणी, पतित यानी पापियों का, तारण यानी उद्धार करने वाली, और पाप हारिणी, पाप यानी जो गलत काम है, जो बुरे कार्य हैं, उनको दूर करने वाली, हे माँ आपकी मैं जय जयकार करता हूँ।
दोबारा से वही गीत सुनाई दिए, पतित तारिणी तेरी जय जय, हे पापियों का उद्धार करने वाली माँ आपकी जय जयकार करते हैं। तो उस समय सुखिया के पिता भी वहीं थे, तो मेरे मुख से भी निकला। पिता कहते हैं कि यही गीत के बोल, यही भजन के जो स्वर हैं, ये मेरे मुंह से भी निकलने लगे, प्रस्फुटित होने लगे, यानी मैं भी उसी गीत के स्वरों को गाने लगा। पिता कहते हैं कि मैं आगे की ओर बढ़ नहीं रहा था, लेकिन फिर भी पीछे भक्तों की भीड़ की ताकत के कारण मैं आगे की ओर ढकेलता चला गया, अर्थात मैं आगे की ओर अपने आप ही पहुंच गया। अब क्या होता है, अब मंदिर में वो प्रवेश कर चुका और भीड़ के कारण धक्का खाता खाता आगे की ओर भी जा रहा है। अब मेन मंदिर के आगे यानी बिल्कुल माता की मूर्ति के आगे जब वो पहुंचता है तो वो क्या देखता है, क्या देखता है, देखो बता रहे हैं, मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके। अब जो पंडित था, पंडित ने क्या किया, मेरे यानी सुखिया के पिता के द्वारा दीप यानी दीपक और माता को चढ़ाने के लिए जो फूल थे वो पंडित ने ले लिए, वे अम्बा, अम्बा यानी माता को अर्पित कर दिए यानी चढ़ा दिए। ठीक है, दिया पुजारी ने प्रसाद जब, और वापस बदले में जो पुजारी थे उन्होंने माता के चरणों में चढ़ाया वह प्रसाद जब मुझे दिया, तो आगे को अंजलि भर के, अंजलि यानी दोनों हाथों को मिला करके आगे बढ़ाना। जब पिता कहते हैं कि जब पुजारी जी मुझे प्रसाद देने लगे तो मैंने अपने दोनों हाथों को मिलाकर उसको अंजलि की मुद्रा में कर दिया, और जब आगे बढ़ाया तो भूल गया उसका लेना झट, परम लाभ सा पाकर मैं, क्या कहते हैं, भूल गया उसका लेना झट, प्रसाद तो लेना मैं झट यानी तुरंत ही भूल गया, परम लाभ सा पाकर मैं, लेकिन जो फूल थे वो ही मेरे लिए परम यानी सबसे बड़ा लाभ, यानी सबसे बड़ा जो मेरा लाभ था उस फूल को मैं सबसे बड़ा लाभ मानकर उसको मैंने तुरंत ले लिया। और क्या सोचा, और सोचने लगा कि बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दू जाकर मैं, कि तुरंत ही बेटी को यानी अपनी सुखिया को माँ के पैरों में चढ़ाए हुए ये पुण्य यानी पवित्र पुष्प यानी फूल दू जाकर मैं, जल्दी से मैं जा करके अपनी बेटी को सौंप दू या मैं अपनी बेटी को दे दू। ठीक है ना, क्या कहते हैं, देखो अब पिता जब मंदिर में बिल्कुल माता की मूर्त के आगे पहुंच चुके थे तो क्या कहते हैं कि सुखिया के पिता कहते हैं कि मेरे द्वारा जो दीपक और फूल थे वो पंडित जी ने ले लिए, और माता जी को चढ़ा करके जब पुजारी जी ने प्रसाद मुझे देने के लिए हाथ बढ़ाया तो मैंने भी अपने दोनों हाथों को मिलाकर अंजलि बना ली, अंजलि की मुद्रा में उनको आगे किया, तो प्रसाद तो लेना मैं तुरंत ही भूल गया लेकिन फूलों को मैं सर्वोपरि लाभ समझकर ले चुका था, और सोचने लगा कि मैं अपनी बेटी को माता के चरणों में चढ़ाए हुए ये पवित्र फूल जो है तुरंत ही जाकर दे दूं। समझ आया बेटा जी, दोबारा देखो, मेरे यानी मेरे द्वारा चढ़ाए गए दीप यानी दीपक और फूल यानी पुष्प ले लिए, लेकर यानी ले लिए किसने, पुजारी ने, और अम्बा को अर्पित कर दिए यानी माता के चरणों में चढ़ा दिए, और बदले में वापस दिया पुजारी ने प्रसाद जब, जब पुजारी ने उस सुखिया के पिता को प्रसाद देना चाहा तो आगे को अंजलि भर के, तो सुखिया के पिता भी दोनों हाथों को हथेलियों को मिला करके अंजलि की मुद्रा में जब हाथ आगे बढ़ाने लगे तो प्रसाद को तो भूल गया उसका लेना झट, मैं प्रसाद को तो लेना तुरंत ही भूल गया, परम लाभ सा पाकर मैं, और मैं जो है सबसे बड़े लाभ के रूप में उन फूलों को पाकर अपने आप को धन्य समझने लगा, और सोचने लगा, सोचा बेटी को माँ के ये पुष्प दू जाकर मैं, कि मैं अपनी बेटी को माँ के चरणों में चढ़ाए हुए ये पवित्र फूल जो है तुरंत ही जाकर के दे दू। समझ आया, अब देखो अब वो क्या करेगा, अब तुरंत के तुरंत प्रसाद तो लेना भूल गया, फूल तुरंत ले लिया और जाकर के देने की कोशिश करने लगा, किसको देना चाहता था, अपनी पुत्री को। तो क्या कहते हैं, देखो यहाँ तो आगे बताया गया है, सियाराम शरण गुप्त कहते हैं, सिंहपौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने मैं पाया, सहसा ये है सुन पड़ा कि कैसे ये अछूत भीतर आया, पकड़ो देखो भाग ना जावे, बना धूर्त यह है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मानुषों के जैसा। अब क्या कहते हैं, लोगों के अंदर क्या हो गया, अड़कंप मच गया,
मंदिर का सारा वातावरण जो है वो शांति, वहां की जो भंग हो गई और बहुत तेज शोर सुनाई देने पड़ा। सिंहपौर यानी मुख्य द्वार, मंदिर का जो मुख्य द्वार है, तक भी आंगन से यानी मंदिर के आंगन से मंदिर के मुख्य द्वार तक नहीं पहुंचने मैं पाया। सुखिया के पिता कहते हैं कि मैं मंदिर के आंगन से होकर के मंदिर के मुख्य द्वार तक भी नहीं पहुंच पाया था कि सहसा यह सुन पड़ा, अचानक कानों को ये आवाज सुनाई दी। क्या सुनाई दी? कैसे यह अछूत भीतर आया, कि कैसे यानी किस प्रकार यह अछूत अस्पर्श्य व्यक्ति भीतर यानी मंदिर के अंदर प्रवेश आया यानी कर पाया, कि अरे किस प्रकार से यह अस्पर्श्य व्यक्ति घर ये मंदिर के भीतर कैसे प्रवेश कर पाया था। अब लोग क्या कह रहे थे, पकड़ो कि इसे किसी भी तरह से पकड़ लीजिए, देखो ना भाग, क्या कहते हैं, देखो ना भाग जावे, कि ध्यान रखना ये यहां से भाग कर कहीं और ना चला जाए। बना धूर्त, कितना चालाक है यह, है कैसा और यह इस तरह से चालाक कैसे बना हुआ है, इसने किस तरह से मंदिर के भीतर प्रवेश कर लिया है, कैसा था वो। लोग कहते हैं देखो साफ स्वच्छ, बिल्कुल साफ और बिल्कुल पवित्र परिधान यानी कपड़े किए हैं, पहन रखे हैं, भले मानुषों के जैसे। भले का अर्थ है यहाँ पर भोले, कौन, उच्च जाति के लोग, मनुष्य, उच्च जाति के मनुष्यों के समान इसने बिल्कुल साफ और बिल्कुल स्वच्छ यानी पवित्र कपड़े पहन रखे हैं और इस तरह चालाकी के साथ यह कैसे मंदिर के भीतर आ गया है, इसको पकड़ लो और यह किसी भी तरह भागकर कहीं और ना चला जाए। इस तरह से मंदिर में शोर सुनाई देने लगा। दोबारा ध्यान दो बेटा, सिंहपौर तक भी आंगन से, कि सुखिया के जो पिता हैं वो कहते हैं कि मैं पुण्य पुष्प लेकर के मंदिर के आंगन से मंदिर के मुख्य द्वार तक नहीं पहुंचने में पाया, तक भी नहीं पहुंच पाया था कि सहसा यह सुन पड़ा, अचानक मेरे कानों में एक स्वर सुनाई दिया, कैसे ये अछूत भीतर आया, कि किस प्रकार से ये अस्पर्श्य व्यक्ति, ये अछूत व्यक्ति, ये निम्न जाति का व्यक्ति मंदिर के भीतर किस प्रकार से आ गया, इसको पकड़ लो, पकड़ लीजिए, देखो कहीं और भागकर ना चला जाए, यह किस तरह से बड़ा चालाक दिखाई दे रहा है और इसने ऊंची जाति के मनुष्यों की तरह बिल्कुल साफ स्वच्छ और अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, इसलिए इस अछूत की पहचान नहीं हो पाई है। अब क्या व्यवहार किया देखो लोगों ने, लोग किस तरह की बात बना रहे हैं। मंदिर में माँ जो है वो किसकी है, उच्च जाति वालों की या निम्न जाति वालों की, ऐसा भेद भगवान कभी नहीं मानता, भगवान के लिए तो सारे मनुष्य एक बराबर हैं। ये जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर ये जो भेदभाव हैं ये किसने बनाए, समाज के ही लोगों ने बनाए। तो लोग क्या सोचते हैं कि लोगों ने सोचा कि इसने मंदिर में घुसकर मंदिर को क्या कर दिया, अपवित्र कर दिया। अब वो जो सुखिया के पिता हैं वो भी सोचते हैं कि माता के लिए तो भजन गा रहे हैं कि ये पापी तारिणी है ना, पाप हारिणी और पापी पापियों का तारण करने वाली यानी पापियों का उद्धार करने वाली है और पापों को दूर करने वाली है, ऐसी तो तुम भजन गा रही हो, तो मैं पापी कैसे हो गया भाई, अगर ये पापियों को उद्धार करने वाली है और पापों को दूर करने वाली है तो इसने मेरा भी तो उद्धार किया होगा ना। तो भक्त की साधार पर ये गीत गा रहे हैं, देखो क्या कहते हैं, पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। लोग क्या सोचते हैं कि ये जो सुखिया के पिता हैं ये अछूत हैं और ये अछूत होने के कारण मंदिर में प्रवेश कर चुके, इसलिए ये कौन बन गए, पापी, पापी यानी अपराधी, इसने मंदिर में प्रवेश करके, इस पापी व्यक्ति ने मंदिर में प्रवेश करके किया अनर्थ बड़ा भारी, बहुत बड़ा अनर्थ यानी दुष्कार्य, बहुत बड़ा हानिकर काम इसने कर दिया है, हानि पहुंचाने वाला काम इस व्यक्ति ने कर दिया है और मंदिर में प्रवेश करके क्या कर दिया, कलुषित, कलुषित यानी कलंकित,
कर दी है मंदिर की चिरकालिक, चिरकालिक यानी लंबे समय से बनी हुई, शुचिता यानी पवित्रता, सारी यानी समस्त, और मंदिर की लंबे समय से बनी हुई जो समस्त पवित्रता थी उसको भी इस व्यक्ति ने कलुषित यानी कलंकित कर दिया है, यानी उसको भी इसने हानि पहुंचा दी है। अब सुखिया के पिता कहते हैं, क्या मेरा कलुष बड़ा है, क्या मेरा ये कलुष यानी कलंक, क्या मेरा ये पाप जो है इतना बड़ा है देवी की गरिमा से भी, कि जिस देवी को आप इतनी महान समझते हो उसकी महानता के सामने भी क्या मेरा ये छोटा सा जो पाप है ये इतना बड़ा है? किसी बात में हूं मैं आगे, किसी बात में हूं मैं आगे माता की महिमा की भी, यानी जिस माता की महात्म्य को तुम गा रहे हो, क्या उस माता के महात्म्य, महात्म्य यानी बहुत बड़ी जो महानता है, उस माता की महानता से भी क्या मैं उससे भी आगे हूं कि मेरा पाप इतना बड़ा है कि तुम्हारी माता मेरे पाप का भी उद्धार नहीं कर सकती, मेरे पापों को भी दूर नहीं कर सकती? अभी तो तुम सारे यही भजन गा रहे हो। क्या कहते हैं, देखो लोग कहते हैं कि इस दुष्ट ने मंदिर के भीतर प्रवेश करके बहुत बड़ा जो हानिकर काम है वो कर दिया है, बहुत बड़ा पाप कर दिया है, इसने मंदिर की लंबे समय से बनी हुई पवित्रता को कलंकित कर दिया है। तो सुखिया के पिता सोचते हैं, अरे क्या मेरे द्वारा किया गया ये पाप जो है तुम्हारी जो आराध्या देवी है उसके गौरव से भी क्या बड़ा है, क्या तुम्हारी माता की महानता से भी किसी बात में मैं उनसे भी आगे हूं कि तुम्हारी माता इतनी भी महान नहीं है कि मेरे इस छोटे से पाप को, मेरे इस छोटे से अनर्थ को भी दूर कर सके या इसको भी जो है क्षमा कर सके? ठीक है, अब लोगों ने क्या किया उनके साथ, जैसे ही वो ये सोचने लगे तो सोचने लगे जो जो लोग हैं वो कैसे इसकी बात का भी क्लास में, और जिन बच्चों ने काम पूरा कर रखा है उन बच्चों से